بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي محترم حاضرين नमाज़ में होने वाली गलतियाँ इसकी एक ग्यारहवीं कड़ी आपके सामने पेश की जा रही है। इससे कबल सजदे के मुतालिक हालत सजदा में जो गलतियाँ हमसे होती हैं उस पर तंबीह की गई थी। और आपको ये बात मालूम रहे कि नमाज में मर्द और औरत के दरमियान कोई तफरीक नहीं है, यानी जिस तरह मर्द हजरात नमाज पढ़ते हैं या जो तरीक़ा मर्दों के नमाज पढ़ने का है वही तरीक़ा औरतों का है, चाहे वो क़याम हो, रुकू हो, सुजूद हो, तशहुद हो, किरात हो, अज़कार हो, किसी तरह का नमाज के तरीके में मर्द और औरत के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, अलबत्ता कुछ शुरूत में फ़र्क है। मसलन एक फ़र्क देख लीजिए, जैसे कि औरत का सर, अगर बालिगा औरत है उसका सर खुला रहे या उसके बाल का कुछ हिस्सा दिखे तो उसकी नमाज नहीं होती है। ला यक़बलुल्लाहु सलात हाइज़िन इल्ला बिखिमार, बालगा औरत की नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर दुपट्टे के कबूल नहीं करता, यानी सर का कुछ भी हिस्सा नहीं खुला होना चाहिए, बाल उसका नहीं दिखना चाहिए, लेकिन मर्द हजरात की नमाज हो जाती है अगर सर खुला रहे, नंगे सर नमाज हो जाती है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं, जैसा कि इससे पहले भी हमने तंबीह की है, कि इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है कि मर्द हजरात हमेशा नंगे सर ही नमाज पढ़ें। यह तरीक़ा इस्लामी तरीक़ा नहीं है। हमने कहा दुनियावी जीनत और है और दीनी जीनत और है। आपको यह लगता होगा कि नंगे सर हमको अच्छा दिखता है, लेकिन ये दीनी जीनत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या है, उनके लिए ये जीनत है, हमेशा आस्तीन उनकी चढ़ी रहती है, नमाज के अंदर हो, नमाज के बाहर, ये फैशन है उनके लिए, जीनत है, स्टाइल है ये, लेकिन नमाज के अंदर ये जीनत नहीं है, दीनी जीनत नहीं है। क्योंकि आपको इससे पहले भी बतलाया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत नमाज में कपड़ा मोड़ने से मना किया है, चाहे वो आस्तीन का कपड़ा हो या पैंट का कपड़ा हो, तहबंद हो, कुछ भी हो। तो ये दीनी जीनत नहीं। इसी तरीके से मैं बतलाऊँ, अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम, और बाद रिवायतों में उनके बेटे का जिक्र आता है कि वो नमाज पढ़ रहे थे और उनका सर खुला हुआ था और बगल में वो कपड़ा रखे हुए थे, और बाद रिवायतों में आता है कि वो नंगे सर ऐसे ही नमाज पढ़ रहे थे। अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको देखा नमाज के बाद, उनसे कहा कि मैंने तुम्हें कपड़ा दिया था, वो कपड़ा क्या किए तुम, नंगे सर क्यों नमाज पढ़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैंने वो कपड़ा रखा हुआ है। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि देखिए, नमाज के अंदर जीनत इख्तियार करना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जीनत इख्तियार करना, क्योंकि उन्होंने कहा फल्लाहु अहक अन युतज़य्यना बिही, अल्लाह इस बात का ज्यादा मुस्तहिक है कि अल्लाह के लिए जीनत इख्तियार की जाए। तो नमाज के अंदर सर का ढकना ये दीनी एतबार से जीनत है, अगरचे दुनियावी एतबार से आपको वो अच्छा ना दिख रहा हो, आपके बाल खराब हो जाते हो, हेयर स्टाइल आपकी खराब हो जाती, वो अलग बात है, लेकिन दीनी एतबार से ये जीनत है, ये आदत नहीं बनानी चाहिए। असल में इफरात और तफरीत, कुछ लोग हैं मुसलमानों में जो कहते हैं बगैर टोपी की नमाज ही नहीं होती, और अहले हदीस हजरात हैं, इनके अमल से ऐसा लगता है कि टोपी के साथ ही नमाज नहीं होती, बिल्कुल उल्टा है। आप देखें कुछ लोग हैं वो क्या है, बगैर टोपी के नमाज पढ़ने नहीं देंगे, आप अगर सब में खड़े हो गए तो वहां से टोपी उठा के लाके सर पर डाल देंगे आपके, वो ये समझते हैं कि बगैर टोपी की नमाज नहीं होती। लेकिन हमारा क्या तरीका है, हमारे अमल से ऐसा लगता है कि टोपी के साथ नमाज नहीं होती, अक्सर लोग नंगे सर नमाज पढ़ते हैं, कभी कभार हो गया, टोपी नहीं है, भूल गए, बहुत ज़्यादा गंदी है, मुनासिब नहीं है लगाना, तो हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हमेशा इसको आदत बना लेना ये तरीका दुरुस्त नहीं है, ये तरीका दुरुस्त नहीं। बल्कि इमाम अल्बानी वगैरह ने तो कहा है कि यहूद व नसारा की ये मुशाबहत है नंगे सर इबादत करना।
जी, तो मैं नमाज के अंदर होने वाली गलतियों के बारे में इस्लाह कर रहा था। सजदे के अंदर हमने तकरीबन 7 से 8 गलतियां जो होती हैं उसके ऊपर तंबीह की। औरतें ख़ास तौर पर देखें, औरतें सजदा जब करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस और जो अहले हदीस औरतें हैं उनके अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तरीक़ा नहीं है। वो सजदा करते हुए बिल्कुल सिमट कर एकदम सजदा करती हैं, ज़मीन से एकदम चिमट जाती हैं, हाथ पांव पेट पूरा समेट कर एकदम सजदा करते हैं। ज़ाहिर सी बात है ये तरीका क्या है, सुन्नत के मुखालिफ है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, इदा सजद अहदुकुम फला यबसुत ज़िराईही कमा यबसुतु अल-कल्ब, जब तुम में से कोई सजदा करे चाहे वो मर्द हो या औरत हो तो अपने हाथ को ज़मीन पर इस तरह ना फैलाए जिस तरह कुत्ता फैलाता है। तो आपने कुत्ते से मुशाबहत दी। अब वो मर्द औरत दोनों इसमें दाखिल हैं, ये नहीं कि सिर्फ मर्दों के लिए यह तरीका है, औरतें भी उसी तरीके पर सजदा करेंगी। जी, सजदे के मुतालिक एक और चीज़ बाकी रह गई थी, वो ये कि अगर कोई आदमी बीमार है या हद दर्जा कमज़ोर हो चुका है उस सुन्नत के मुताबिक सजदा नहीं कर सकता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आदमी सजदा करने के लिए क्या है कोई बुलंद चीज़ लकड़ी रख ले या तकिया रख ले उसके ऊपर सजदा कर ले, क्योंकि वो पूरे तौर पर झुककर सजदा नहीं कर सकता है। तो किसी आदमी के लिए जायज़ नहीं है कि मर्द के वक्त या क्या है कमज़ोरी की बुनियाद पर या किसी भी उद्र की बुनियाद पर वो इंसान अगर सजदा ज़मीन पर सही तौर पर नहीं कर पा रहा है तो क्या है कोई बुलंद चीज़ अपने सामने रख ले ताकि सजदा करने में उसके लिए आसानी हो, यह तरीका दुरुस्त नहीं है। एक मरतबा अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की हदीत है, वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी सहाबी की या बाद रिवायतों में मुतलक है कि आदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलम मिन असहाबी, एक सहाबी की ज़ियारत करने के लिए आप गए, बीमार थे वो, और वो कहते हैं मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में था। आप जब उनके घर में दाखिल हुए या उनके पास पहुँचे तो नमाज पढ़ रहे थे और सजदा करते वक्त वो ऐसे बुलंद एक लकड़ी टिपाई नुमा जैसे ये है इस तरह एक बुलंद लकड़ी थी उस पर पेशानी रख करके सजदा कर रहे थे क्योंकि वो सही तौर पर सजदा नहीं कर पा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है इशारा किया उसकी तरफ कि वो हटा दो, तो वो लकड़ी कहते हैं मैंने हटा दी। उसके बाद उस आदमी ने दोबारा सजदा करने के लिए क्या है वो तकिया रखी हुई थी तकिया रख लिया, उसके बाद तकिया पर सजदा कर रहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है उससे भी मना किया, कहा दाहा अनका, इसको अपने आप से दूर करो हटाओ तकिए को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा था इनिस्तताअता अन तस्जुदा अलल अर्द, अगर तुम्हारे ताकत है ज़मीन पर सजदा करने की तो ज़मीन पर सजदा करो, जितना मुमकिन हो सके ज़मीन पर सजदा करने की कोशिश करो। इससे एक नुक्ता यह भी मालूम हुआ, अगर बहुत सारे हजरात क्या है सुस्ती और काहली की बुनियाद पर कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं, हालांकि वही हजरात वहाँ बाहर जाकर के 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा खड़े होकर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन 2 मिनट का क़याम मस्जिद में या नमाज में उनके लिए दुश्वार और तकलीफ़देह होता है, समझ रहे हैं आपको। और ये मालूम होना चाहिए कि अगर इस्तेताअत है क़याम की फिर भी कोई खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ रहा है तो वो चाहे 4 घंटे की नमाज पढ़े उसकी नमाज बातिल है, पूरे अरकान शुरू हों लेकिन क़याम की ताकत थी फिर भी खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ा तो उसकी नमाज कबूल नहीं होती वो कोई भी हो। इसी तरीके से अगर सजदा करने की ताकत है आदमी को ज़मीन पर तो उसके ऊपर वाजिब है कि वो ज़मीन पर सजदा करे, कोई चीज़ सामने रख नहीं सकता ताकि उसके लिए झुकने में परेशानी ना हो, नहीं अगर मुमकिन हो सके तो ज़मीन पर सजदा करो, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा व इल्ला फाउम ईमान, वरना इशारे से सजदा कर लो, इशारे से सजदा करो। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस के अंदर कहा वजअल सुजूदका अखफद मिन रुकूइक, अपने सजदे में क्या है रुकू के बनिस्बत ज़्यादा झुको, अपने सर को ज़्यादा झुकाओ रुको। अब आदमी क्या है बैठकर ही नमाज पढ़ रहा है, असल यही है, देखिए असल क्या है ज़मीन पर बैठकर नमाज पढ़ना, अगर कोई खड़े होने की ताकत नहीं रखता है ज़मीन पर बैठ के नमाज पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रुकू में ज़रा सर कम झुकाए और सजदे में उसकी बनिस्बत ज़्यादा झुकाए, लेकिन अगर इस्तेताअत है तो ज़मीन पर सजदा करने की कोशिश करनी चाहिए। बल्कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक आता है कि वो एक मरतबा
حفص ابن عاصم رحمہ اللہ ان کی زیارت کے لیے ہوئے ان کی زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے. حفص ابن عاصم کیا ہے, وہ بھی ایک تکیے پر سجدہ کر رہے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو روکا, بلکہ آپ نے یہ بھی کہا, حدیث کے اندر آتا ہے جب ان سے سوال کیا گیا آپ نے کہا کہ لا آمرو ان تتخذ اوثانا من دون اللہ, میں تم کو اس بات کا حکم نہیں دے سکتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم معبود بناؤ. انہوں نے دیکھیے کیا تشبیہ دی کہ دوسری شے پر سجدہ کرنا, لکڑی پر سجدہ کرنا یا تکیے پر سجدہ کرنا یا کوئی بلند چیز ایسے رکھ لینا اس پر سجدہ کرنا, انہوں نے بت کی عبادت سے تشبیہ دی. کہا لا آمرکم ان تتخذوا اوثانا من دون اللہ, میں تم کو اللہ کے علاوہ دوسرا معبود اختیار کرنے کا حکم نہیں دے سکتا. مطلب کیا کہ تم تکیے پر یا اس طرح کوئی بلند چیز رکھ کر اس پر سجدہ نہیں کر سکتے. زمین پر کرنے کی طاقت ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اشارے سے سجدہ کر لو. تو اس طرح سجدہ نہیں کرنی چاہیے, یہ سنت کے خلاف ہے. بلکہ آپ دیکھیں شیعہ حضرات کا ایک نظریہ ہے, وہ کیا ہے, کچھ کنکر یا پتھر رکھتے ہیں اس پر سجدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عیسائی لوگ دیکھیے وہ ایک طرح کی لکڑی رکھتے ہیں, صلیب نما بنی ہوتی ہے, اس پر جب سجدہ کرتے ہیں تو پیشانی اس پر رکھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وجہ سے کہا کہ اگر تم تکیے پر سجدہ کر رہے ہو یا کوئی لکڑی ایسے ہے بلند یا کوئی بھی چیز بلند چیز ہے اس پر تم پیشانی رکھ کر سجدہ کر رہے ہو, تو گویا کہ وہ اللہ کے لیے جس طرح سجدہ کیا جاتا ہے تم گویا کہ اس لکڑی یا تکیے کے لیے سجدہ کر رہے ہو. اس سے مشابہت آپ نے دی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سجدہ کرنا کیا ہے, درست نہیں ہے. ایک سجدے کے متعلق ایک اور غلطی لوگوں میں پائی جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ حالانکہ بچوں میں یہ زیادہ چیزیں پائی جاتی ہیں, بڑوں میں شاید میں نے دیکھا نہیں کبھی, اس کا مشاہدہ نہیں کیا. وہ کیا ہے کہ سجدہ کر رہا ہے اگر آدمی زمین پر تو اس کی پیشانی یا اعضائے سجود جو ہیں, ہاتھ ہیں, گھٹنا ہے, دونوں قدم ہے, پیشانی اور ناک ہے, اعضائے سجود جو ہے اس اعضائے سجود اور زمین کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے جو مصلی سے متصل ہو. نمازی سے متصل کوئی بھی چیز اعضائے وضو اور زمین کے درمیان حائل نہیں ہونی چاہیے. مثلاً بہت سارے لوگ, بچے لوگ خاص طور پہ یہ کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں تو ہاتھ ایسا رکھ کر اس پر پیشانی رکھتے ہیں, پیشانی پر ایسا ہاتھ رکھ کر کے کیا ہے سجدہ کرتے ہیں. تو یہ طریقہ درست نہیں. اگر کوئی بڑا بھی ایسا کر رہا ہے تو گویا کہ اس کی نماز درست نہیں ہوتی, کیونکہ سات اعضاء کا زمین پر رکھنا واجب ہے. بلکہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا رکن ہے ساتوں اعضاء پر سجدہ کرنا. اب اگر آپ نے ہاتھ پر پیشانی کو رکھ لیا تو پیشانی یہ ایک حصہ ہے سجدے کا, ایک رکن کیا ہے پیشانی زمین پر پڑنا. اب آپ نے ہاتھ پر رکھ لیا تو پیشانی آپ کے ہاتھ پہ پڑ رہی ہے. تو انہوں نے خود لکھا ہے کہ فہذا سجدۃ لا یجوز ولا یجزی, اس طرح سجدہ کرنا جائز بھی نہیں ہے اور یہ کافی بھی نہیں ہوگا. ایسا اگر کوئی کر لیا تو کہہ رہے ہیں فَكَأَنَّمَا سَجْدَ عَلَىٰ عُضْوٍ وَاحِدْ وَيُخَالِفُ مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اشرح الممتع وغیرہ کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ایسے انسان کی نماز باطل ہے. تو ساتوں اعضاء کا زمین پر لگنا یا اس سے متصل ہونا یہ واجب اور ضروری ہے. ہاں اگر کوئی مجبوری ہے تو اس کی وہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر اعضائے سجود اور زمین کے درمیان کوئی چیز حائل ہے جو مصلی سے متصل ہے تو اس کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں. ایک حالت یہ ہے کہ آدمی کسی عذر کی بنیاد پر, کسی پریشانی اور تکلیف کی بنیاد پر کیا ہے اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ پا رہا ہو. جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کنا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے, فی شدت الحر, سخت گرمی تھی. اور آپ جانتے ہیں مسجد نبوی یا مسجد حرام جو بھی یا مدینہ کی حالات آپ جانتے ہیں, اس سنگریلی زمین ہے, پتھریلی زمین ہے, کنکر پتھر والی سخت زمین ہے, جب سخت تو دھوپ پڑتی ہے اور وہاں کی گرمی بھی, تپش بھی, حرارت بھی آپ کو معلوم ہے. تو کہہ رہے ہیں شدت حر, بہت زیادہ گرمی تھی, زمین بالکل تپتی تھی, گرم رہتی تھی. تو کہہ رہے ہیں فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ, تو ہم میں سے جب کوئی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر سجدہ کرے, کہہ رہے ہیں کہ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ, تو اپنے کپڑے کو کوئی بچھا لیتا تھا اس پر سجدہ کرتا تھا. تو یہ دیکھیے
उज्र की हालत में, परेशानी या तकलीफ की हालत में, मसलन एक परेशानी यह है कि कोई नजीस चीज, कोई क्या है तकलीफ दे चीज लगी हो चटाई पर, आप वहां परेशानी रह सकते, ठीक, आपने कुर्ता या जो भी है मुत्तसिल टोपी वगैरह वहां पर रखकर सजदा कर लिया, कोई हर्ज नहीं, ये उज्र है। या बदबू आ रही है, वहां आपने अपना कपड़ा रख लिया, ये मुत्तसिल चीज, गैर मुत्तसिल का मसला मुतलक तौर पर जायज, जैसे चटाई पर नमाज पढ़ रहे हैं, हाँ, जमीन पर नहीं टच हो रही है हमारी परेशानी, तो ये जायज। मुसल्ली से मुत्तसिल जो चीज हो, मसलन जैसे अब अहले अरब लोग क्या है वो गुतरा उतरा लगाते हैं, हाँ, वो रुमाल बड़ा वाला रखते हैं, तो उसको बिछा कर उस पर सजदा कर लेते थे। लेकिन अगर बगैर उज्र के कोई करता है तो शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह बल्कि जमहूर अहले इल्म कहते हैं कि ये मकरूह है, बगैर उज्र के कपड़ा अपना पेशानी के दरमियान हायल करना या कपड़े पर बिछा कर सजदा करना बगैर किसी उज्र के, ये जायज़ नहीं। हाँ, अगर नमाजी से मुत्तसिल कोई चीज़ नहीं है, मसलन दस्ती निकाल लिया उसने, ये मुत्तसिल चीज़ नहीं है, क्योंकि जो हम पहने हैं वो हमसे मुत्तसिल है जिस्म से, जिस्म से मुत्तसिल जो चीज़ नहीं है उस पर आप सजदा कर सकते हैं, लेकिन जिस्म से मुत्तसिल कोई चीज़ है तो आज़ाए सुजूद और ज़मीन के दरमियान वो चीज़ हायल नहीं होनी चाहिए, अगर कोई उज्र है तो ऐसी सूरत में कोई हर्ज नहीं। इसी तरीके से एक और गलती आपको बतलाऊं, वो क्या है, हालत रुकू में या मुतलक तौर पर नमाज में सजदे की जगह के अलावा किसी और जगह पर देखना, मसलन सामने दीवार पर देखना, ऊपर देखना या दाएं बाएं देखना। रुकू की हालत में आपने देखा होगा, बल्कि अक्सर लोगों का मैंने मुशाहिदा किया है, रुकू की हालत में वो सजदे की जगह पर नहीं देखते, अपने कदम की तरफ देखते हैं, कदम की तरफ देखते हैं। ये फिकही चीज़ है, हाँ, क्या है, फिकह हनफिया में ये चीज़ ज़्यादा मशहूर है। अहले हदीस उलमा ने कहीं भी नहीं लिखा है कि रुकू की हालत में इंसान का अपने कदम की तरफ देखना सुन्नत है, नहीं, कदम की तरफ नहीं देख सकते आप, चाहे रुकू की हालत में हो या क़याम की हालत में हो, आपकी निगाह सजदे की जगह पर होनी चाहिए। ये नहीं कि रुकू में जाए तो आप अपने टखने को, अपने पैजामे को देखें या अपने कदम की तरफ निगाह रखें, ये दुरुस्त नहीं है। हदीस के अंदर आता है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, लम्मा दखला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-काअबा मा खल्लफ बसरहु मौज़िअ सुजूदिही हत्ता खरजा मिन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने काबा के अंदर दाखिल हुए, आप नमाज पढ़ रहे थे, आपने अपनी निगाह को सजदे की जगह से नहीं हटाया यहां तक कि आप नमाज से फारिग हो गए। तो पूरी नमाज में हमारी निगाह कहां होनी चाहिए, सजदे की जगह पर, चाहे रुकू में हो चाहे क्याम की हालत में हो। अगर कोई सजदे की जगह के बजाय अपने कदम को देख रहा है या दीवार को देख रहा है, सामने की तरफ देख रहा है, तो ये समझ लीजिए कि ये शैतान उसकी नमाज के हिस्से को उचक ले रहा, अजर व सवाब में उसकी कमी कर दे रहा। जैसा कि हदीस के अंदर आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, जब आपसे सवाल किया गया इल्तिफात के बारे में, नमाज में इधर उधर मुतवज्जे होना, इस तरह देखना, आगे पीछे कहीं भी देखना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हुआ इख्तिलासुन यख्तलिसुहु शैतान, ये इख्तिलास है। इख्तिलास का मतलब उचकना, खुफिया तौर पर, पोशीदा तौर पर किसी चीज को चोरी कर लेना, उठा लेना, उसको इख्तिलास कहते हैं। तो शैतान हमारी नमाज से अजर व सवाब को चोरी कर लेता है, हमारे खुशू खुजू में इससे फर्क पड़ता है। जाहिर सी बात, आप दीवार की तरफ देखेंगे, दीवार मुनक्कश है तो उसमें आपका ज़हन मशगूल हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, हुआ इख्तिलासुन यख्तलिसु शैतान, शैतान उसकी नमाज को उचक लेता है, इंसान के अजर व सवाब में कमी आ जाती है अगर वो सजदे की जगह पर निगाह नहीं रखता बल्कि दूसरी तरफ आगे पीछे दाएं ऊपर नीचे रखता है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक कहा कि जब आदमी नमाज पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बिल्कुल उसकी, उस मुसल्ली की तरफ मुतवज्जे रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फैदा सल्लैतुम फला तल्तफितु, जब तुम नमाज पढ़ो तो इधर उधर मत देखो, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे मत देखो, सजदे की जगह पर तुम्हारी निगाह होनी चाहिए। फइन्नल्लाह यनसब वजहहु लिवजहि अब्दिहि फी सलातिहि मा लम यल्तफित, जब तक बंदा सजदे की तरफ अपनी निगाह को जमा के रखता है अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उसकी तरफ मुतवज्जे रहता, अपने बंदे को रश की निगाहों से अल्लाह देखता है। लेकिन जैसे ही बंदा इधर देखा उधर देखा, अल्लाह भी अपनी निगाह हटा लेता है उससे। तो जाहिर सी बात है, महरूमी है ये, है?
अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको देख रहा है, हम अल्लाह के सामने खड़े हैं, हम अल्लाह को देखने के बजाय किसी दूसरी तरफ देख रहे हैं। क्योंकि नमाज अगर पढ़ रहा आदमी तो क्या है, अंता अब्दुल्लाह का अन्न का तराह, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको देख रहा, हमारी तरफ मुतवज्जे रहता है जब तक हम इधर उधर नहीं देखते, इल्तिफात नहीं करते। लेकिन जैसे ही इधर उधर हमारी निगाह फिरती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी अपना चेहरा हटा लेता हमसे। तो नमाज, पूरी नमाज के अंदर हमारी निगाह सजदे की जगह पर होनी चाहिए, सिवाय दो हालतों के। दो हालतों में, तशहुद में अगर हम बैठे हैं, चाहे वो पहला तशहुद हो या आखिरी तशहुद हो, तो हमारी निगाह कहाँ होनी चाहिए? शहादत की उंगली, सब्बाबा की तरफ हमारी उंगली होनी चाहिए, हमारी निगाह होनी चाहिए, उस पर निगाह जमा के रखना। और बाज़ लोगों ने दूसरी हालत जो बतलाई है, सलातुल खौफ, सलातुल खौफ, डर की नमाज जो होती है, हालत खौफ में आदमी, हालत डर में नमाज, जैसे जंग वगैरह चलती थी, गजवात होते थे, जिहाद होते थे, तो उस हालत में भी नमाज वाजिब थी, नमाज पढ़ना था। तो ऐसी हालत में, जाहिर सी बात है अब दुश्मन किस तरफ से वार कर रहा है, तो ऐसी हालत में सजदे की तरफ निगाह करना ज़रूरी नहीं था। सलातुल खौफ में सजदे की तरफ निगाह ज़रूरी नहीं, बल्कि आदमी जैसा चाहे पढ़े। और बाद लोगों ने एक तीसरी चीज़ बयान की है, वो क्या है? बाद लोगों ने कहा कि अगर आदमी मस्जिद हराम में नमाज पढ़ रहा है तो ऐसी सूरत में किबला उसके सामने है तो किबले की तरफ वो निगाह रखेगा, सजदे की जगह पर निगाह नहीं रखेगा। क्योंकि हमारा, जिसकी तरफ हम रुक करके नमाज पढ़ रहे हैं हमारे सामने है, लिहाजा ऐसी सूरत में किबले को देख कर वो नमाज पढ़ेगा, किबले की तरफ उसकी निगाह होगी, सजदे की तरफ निगाह नहीं होगी। लेकिन अगर चाहिए, बाज़ फुकहा और बाज़ उलमा का नज़रिया है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं। क्योंकि काबे की तरफ अगर वो देखेगा तो जाहिर सी बात है उसका जहन उसी में मशगूल हो जाएगा, उसके खुशू और खुजू में फ़र्क पड़ेगा, और ये दुरुस्त नहीं है। तो चाहे मस्जिद हराम हो या मस्जिद नबवी हो या दुनिया की दूसरी मस्जिद हो, हर जगह नमाज की हालत में हमारी निगाह सजदे की जगह पर होनी चाहिए। अलबत्ता ज़रूरत के खातिर, कोई उज़्र है, कोई ज़रूरत है, तो ऐसी सूरत में आदमी इधर उधर देख सकता है। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा नमाज पढ़ रहे थे, आपने सजदे में ताखिर की, यानी लंबा सजदा किया। एक सहाबी सजदे से सर उठा के देखते हैं, क्या मसला है, अल्लाह के रसूल उठ नहीं रहे हैं सजदे से। तो वो सहाबी जब देखे कि अभी तो आप सजदे में हैं, तो आप फिर सजदे में चले गए। तो इस तरह इल्तिफात या देखना, और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा नमाज पढ़ा रहे थे, आपने हालत नमाज में क्या है, अपने जूते मुबारक को निकाल दिया, जूते को क्या है, निकाल दिया। सहाबा भी ने देखा, साहब पूरे सहाबा ने जूता निकाल निकाल के रख दिया नमाज ही की हालत में। और जाहिर सी बात है ये ज़रूरत है। इसी तरह सहाबी कहते हैं कि जब तक अल्लाह के रसूल अपनी पेशानी क्या है ज़मीन पर नहीं रख देते थे, तब तक हम लोग रुकू में, सजदे में जाने के लिए अपनी पीठ भी नहीं झुकाते थे। लम यहनी अहदुम मिन्ना ज़हरहू, अपनी पीठ हम यानी झुकते भी नहीं थे जब तक आप अपनी पेशानी सजदे की जगह पर नहीं रख लेते थे। तो बसा औकात ज़रूरत के खातिर आदमी क्या है इधर उधर देख सकता है, लेकिन इस शर्त के साथ कि उसका सर सिर्फ मुतवज्जे हो। अगर किबले पूरा जिस्म मुतवज्जे हो गया किबले से तो उसकी नमाज बातिल हो जाती। क्योंकि नमाज के सही होने के लिए एक शर्त क्या है, इस्तिक्बाले किबला है, किबले की तरफ रुक करना। अगर पूरे तौर पर ऐसा कोई मुतवज्जे हो गया दूसरी तरफ, किबले से दूसरी तरफ मुतवज्जे हो गया और रुख उसका इधर इधर उधर हो गया, तो उसकी नमाज उलमा ने लिखा बातिल हो जाती। सिर्फ सर की इशारे से इस तरह अगर कोई मुतवज्जे हुआ ज़रूरत के खातिर, तो ऐसी सूरत में कोई हरज नहीं है। तो ये चंद गलतियाँ क्या हैं सजदे के मुतालिक, या उमूमी कुछ गलतियाँ थीं जो नमाज के अंदर हमसे हो रही हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह बकिया दुरूस के अंदर और भी चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा करने की तौफीक दे। आमीन।